जनपद रुद्रप्रयाग में कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, जिसके अंतर्गत 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ ने 20 दिनों तक जिले के अलग अलग दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर स्कूली बच्चों, ग्रामीण रेल निर्माण कंपनी सहित अन्य संस्थानों में कार्य कर रहे लोगों को आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य का प्रशिक्षण दिया। आपको बता दें कि जनपद रुद्रप्रयाग आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की देखरेख में जिले के विभिन्न स्कूलों, ग्रामीण इलाकों और रेल निर्माण कंपनियों, डैम निर्माण कंपनियों में जाकर एनडीआरएफ की टीम ने आपदा से निपटने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया। वहीं जिला आपदा नोडल और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि जिला प्रशासन की देखरेख में 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ के साथ डीडीआरएफ की टीम ने मिलकर लोगों को किसी भी आपदा से कैसे राहत और बचाव किया जा सकता है, ये बताया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए हमारी टीम को यहाँ पर नियुक्त किया गया था, जिसमें हमने हमारा जो ये प्रोग्राम 20 तारीख से लेकर और आज 8 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में जितने भी राजकीय इंटर कॉलेज हैं, गांव वगैरह हैं, इसमें सभी में कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं और चला रहे हैं।